हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी इजी डेंटिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2018 के जो रिजल्ट में स्टे लगा हुआ है उसके बारे में। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि ये जो स्टे लगा हुआ है इसका उनके रिजल्ट पर, उनके सीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पूरे इशू के बारे में हम समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट की फर्स्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ चुका था, स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुकी है। सेकेंड काउंसलिंग का रिज़ल्ट 12 तारीख को आना था जिसमें स्टे लगा दिया गया है। जो हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट, उन्होंने 196 मार्क्स सभी तमिलनाडु के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको देने का बात कही है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये 196 मार्क्स देने की बात क्यों कही गई है। तो तमिलनाडु स्टेट के जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था उनकी लैंग्वेज में, उसमें 49 क्वेश्चंस में ट्रांसलेशन जो थे वो गलत थे और कुछ क्वेश्चंस भी उसमें गलत थे। तो एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो 49 क्वेश्चंस हो गए 49 × 4 = 196। तो ये जो 196 मार्क्स है ये सभी तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को देने की बात कही गई है, जो कि 24,000 स्टूडेंट्स हैं उन सभी को देने की बात कही गई है। तो अब समझते हैं कि इससे सभी स्टूडेंट को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो 196 मार्क्स जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। नीट के जो काउंसलिंग होती है उसमें एक एक दो दो नंबर भी जो होते हैं काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो 196 मार्क्स जो हैं बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे फ़र्क ये होगा कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का अगर 0 मार्क भी आए हुए हैं तो वो भी नीट 2018 में 196 मार्क्स लेने के बाद क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि जो ST/ST/OBC कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क है वो 96 हैं और जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स 119 हैं। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स के 300 या 350 मार्क्स आए हुए हैं तो उनके मार्क्स में 196 मार्क्स जुड़ने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। तो अभी ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये डर है कि जिनको सीट मिल चुकी है ऑल इंडिया कोटा से, गवर्नमेंट सीट वो ले चुके हैं, तो ये 196 मार्क्स जुड़ने के बाद उनकी सीट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एक हमारा ओपिनियन हम दे रहे हैं, ये ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है, ये हम अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं कि जो जिनको सीट अलॉट हो चुकी है ऑल इंडिया कोटा से उनको हमारे हिसाब से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सीट में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि एक तरफ 24,000 स्टूडेंट्स हैं और दूसरी तरफ 13,00,000 स्टूडेंट्स हैं, तो हाई कोर्ट भी इस चीज़ को देखकर जजमेंट देगा। और ऐसा हमें लगता है, यह हमारा ओपिनियन है कि जो जजमेंट के बाद जो भी जजमेंट होता है उसके बाद भी फ़र्क जो पड़ेगा वो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को ही पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को इसमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं और जजमेंट का वेट करें। साथ ही साथ अभी एक गुड न्यूज़ भी आई है कि तमिलनाडु स्टेट के ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है कि ये जो 196 मार्क्स दिए जा रहे हैं ये गलत है। उन 13,00,000 स्टूडेंट्स के साथ और जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल चुकी है काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको सीट अलॉट हो चुकी है उनके साथ गलत है। तो इनका भी जो जजमेंट था वो मंडे को आने वाला है, तो देखते हैं, होपफुली अच्छा जजमेंट आएगा, सभी स्टूडेंट्स के हित में जजमेंट आएगा। तो बिल्कुल आप घबराएं ना, और जब आप MCC की वेबसाइट खोलते हैं उसमें आप UG रिज़ल्ट में क्लिक करते हैं जहाँ से हमको रिज़ल्ट देखने मिलता है, तो वहाँ पर एक नोटिस आ रहा है जिसमें बताया गया है कि अभी इसके जो रिज़ल्ट है, सेकंड काउंसलिंग के रिज़ल्ट है, इसमें स्टे लगा दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें ये लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि आपको वेबसाइट को चेक करते रहना है, आपको अपडेट रहना है, तो आप ये चेक करते रहें, इससे अपडेट रहें और जो भी नोटिफिकेशन आएंगी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएँ। तो आज का वीडियो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।